बीटीएस के मुंह से इंडिया का नाम निकले और इंडियन आर्मी बस उसे हर जगह वायरल करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन रिसेंटली बहुत ही सारी इंडियन आर्मी को ऐसा लगता है कि एक इंडियन इंटरव्यू की वजह से हमारे जंगकुक अपने लाइफ में हिंदी बोल रहे थे। लेकिन क्या ये बात सच है या फिर नहीं, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वैसे तो बीटीएस के मेंबर्स को हिंदी आती नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी का बस चले तो वो बीटीएस से पूरा राष्ट्र गान गवा दे, क्योंकि बीटीएस के मेंबर्स जब भी कुछ फोरन में बोलते हैं तो इंडियन आर्मी को ऐसा लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं। और रिसेंटली एक ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जहां पर बहुत ही सारी इंडियन आर्मी कमेंट करके बोल रही थी कि जंगकुक ने हिंदी वर्ड बोला। लेकिन आखिर जंगकुक ने हिंदी बोली, कोरियन बोली या फिर कोई तीसरी लैंग्वेज बोली, ये जानने से पहले हमें पता करना चाहिए कि आखिर ये वीडियो आई कहाँ से। तो आप सभी जानते होंगे साक्षमा श्रीवास्तव, जिन्होंने बीटीएस का इंडियन इंटरव्यू लिया था। तो जब ये इंटरव्यू हुआ था तो ये दुनिया भर में बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि साक्षमा ने बहुत अच्छे से बीटीएस से क्वेश्चन पूछे थे और सभी बीटीएस के मेंबर बहुत ही शाय हो गए थे। रिसेंटली उन्हीं के चैनल पर इंडिया की केपॉप आइडल श्रेया लिंका का भी एक इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पर वो बता रही थी कि बहुत ही सारे लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं हिंदी में जब भी उनको कोई बात पर रिएक्ट करना होता है। तो साक्षमा श्रेया लिंका को बोल रही थी कि यूजुअली इंडिया में अच्छा अच्छा ये वर्ड बहुत ही यूज़ किया जाता है और हर कॉन्टेक्स्ट में आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद बहुत ही सारी आर्मीज और कुछ इंडियन आर्मीज ने इस वीडियो को जंगकुक की रीसेंट लाइव की वीडियो से कनेक्ट कर दिया, जहाँ पर जंगकुक कुछ ऐसा ही सिमिलर वर्ड बोल रहे थे। तो दोस्तों काफी सारे आर्मीज को लगा कि जंगकुक हिंदी में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं जब वो अपनी बॉडी को क्रैक कर रहे थे और यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोलने लगे कि जंगकुक ने जरूर श्रेया लिंका का इंडियन इंटरव्यू देखा होगा जिसको देखकर वो अच्छा अच्छा बोल रहे थे और साक्षात श्रीवास्तव को तो वो जानते ही हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सारी थ्योरी सामने आई, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि जंगकुक नॉर्मली कोरियन में अच्छा अच्छा बोल रहे थे यानी वेट वेट, या फिर जंगकुक कोरियन में ही कोई और वर्ड बोल रहे होंगे जिसको सुनने में हिंदी जैसा लगा। अब जंगकुक हिंदी बोल रहे थे या फिर कोरियन बोल रहे थे या चाइनीज बोल रहे थे, ये तो जंगकुक ही जाने। लेकिन इंडियन आर्मी को ये समझना चाहिए कि बीटीएस के लिए हिंदी बोलना इतना आसान नहीं है। जिन बीटीएस के मेंबर्स को इंग्लिश बोलनी ही सही से नहीं आती, वो इस तरीके से वीडियो देखकर हिंदी क्यों ही बोलेंगे। बीटीएस के मेंबर्स तो अब रिसेंटली काफी बार ये भी बता चुके हैं कि वो लाइव आकर कोरियन में ही बात करेंगे, क्योंकि उन्हें कोरियन लैंग्वेज ही आती है। ऐसे में बार बार उनके मुंह से बोले गए वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड करके हिंदी या फिर कोरियन या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में उसे जबरदस्ती बना देना काफी गलत बात है। और ऐसी रूमर्स फैलाना कि जंगकुक हिंदी में बोल रहे थे या बीटीएस का कोई मेंबर हिंदी बोल रहा था भी काफी गलत है। तो आर्मी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आपको भी लगता है कि जंगकुक हिंदी बोल रहे थे या नहीं। साथ ही साथ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।